कंफर्ट का आराम, डिस्क ब्रेक की सुरक्षा, अब बजाज प्लैटिना पर 2800 रुपए तक की बचत। आप देख रहे हैं बिटनिस बिहार और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार राय। बिहार विधानसभा चुनाव जो है 3 चरणों में होना है। प्रथम चरण पर मतदान खत्म हो चुका है। द्वितीय चरण पर दिनांक 1/11/2020 संध्या 5 बजे से प्रचार प्रसार समापन हो चुका है और द्वितीय चरण का जो मतदान है वह 3 तारीख को होगा। तृतीय चरण का मतदान 7 तारीख को होगा और 10 तारीख को आएगा बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट। तो बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 10 तारीख को आएगा, तो आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं पछवाड़ा विधानसभा सीट पर। पछवाड़ा विधानसभा सीट पर कुल 19 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और तमाम प्रत्याशियों ने अपना दम खम लगा दिया, पछवाड़ा विधानसभा सीट पर प्रचार प्रसार किया। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं भीखमचक पंचायत के मुखिया सीताराम यादव जी जो कांग्रेस के नेता हैं। तो इस चुनावी समर में इनसे बहुत बातें होगी, चुनावी चर्चाएं भी होगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं सीताराम यादव जी जो भीखमचक पंचायत के मुखिया हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं जो शुद्ध रूप में 2000 से कांग्रेस के लिए लगातार सक्रिय रहे। सीताराम यादव जी आपका बिटनिस बिहार स्वागत करता है। सबसे पहले मैं आपको इस पंचायत की में भीखमचक पंचायत में बीटी न्यूज को मैं अभिनंदन करता हूं कि आपने इस चुनावी महासभा में आप मेरे पंचायत में आकर और लोगों को मनोबल को बढ़ाया, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम यादव जी अब कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और 2000 से सक्रिय हैं और इस बार कांग्रेस जो है महागठबंधन के साथ है। तो आपको क्या लग रहा है इस बार जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि फिर मिल पाएगी क्योंकि सीपीएम सीपीआई माले आरजेडी कांग्रेस तमाम अंदर महागठबंधन के साथ है, तो क्या महागठबंधन के प्रत्याशी अवधेश राय को सफलता मिलेगी? मैं इस बात से संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ कि उन्होंने 3 बार विधायक रह चुके हैं, उनका कार्ड कलम और आज जो कार्ड कलम और पूरे बिहार में जो नारा है भाजपा का, उस नारा में लिखा हुआ है तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। तो तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार में उन्होंने नहीं, इसलिए तेज रफ्तार और पछवाड़ा में गरीब दास सरकार। जैसा कि आप कह रहे हैं कि तेज रफ्तार में वो नहीं है, लेकिन तेज रफ्तार की जो तेजस्वी सरकार है जिन्होंने महागठबंधन बनाया और पछवाड़ा के में सीपीआई के खाते में यह सीट गई, तो फिर वह तेजस्वी सरकार के साथ क्यों नहीं है? सबसे पहले आप इतना हमसे स्पष्ट रूप में जानकारी ले लीजिए कि मैं भी कांग्रेस में रहा हूँ, कांग्रेस का कार्यक्रम में रहता हूँ, कदापि भी नहीं उनको ऐसा हो रहा था। लेकिन चलन फलन करके और बेगूसराय नहीं तो समझौता नहीं, पछवाड़ा नहीं तो समझौता नहीं, इस मुद्दे पर बाजौरा उन्होंने मात्र बिहार में 6 सीट पर समझौता किया और 3 सीट बेगूसराय जिला में उन्होंने लिया और उन्होंने अपने और कुछ हमारे कांग्रेस के लोग जिस तरह अभिमन्यु को बंद किया जाता उसी तरह मिलकर सारे लोगों ने गरीब दास को बंद करने का काम किया है। इसलिए पछवाड़ा के आम जनता इस बार गरीब दास के साथ है और गरीब दास को वो लगाम धराने के लिए जा रहा है जो लगाम रावण के राम के समय में लव और कुश पकड़ने का काम किया था, वो आज के तारीख में 3 तारीख को जो मतदान होने के लिए जा रहा वो पछवाड़ा के आम जनता ने वो लगाम लेकर धरने के लिए गरीब दास को देने का काम कर रहा है। आप शुद्ध रूप से कांग्रेस के कद्दावर नेता भी हैं और भीखमचक पंचायत के मुखिया भी हैं और अलायंस जो महागठबंधन अलायंस है उसमें राजद कांग्रेस सीपीआई सीपीएम माले है, तो वह महागठबंधन के प्रत्याशी जो पछवाड़ा विधानसभा सीट से है अवधेश राय को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप कांग्रेस के कद्दावर नेता रहने के बावजूद महागठबंधन को सपोर्ट नहीं कर रहे, क्यों? इसका कारण है कि महागठबंधन हुआ है, ये तो मनगठन गठबंधन हो गया। महागठबंधन अगर हो तो आप जानते हैं कि बेगूसराय जिला में 6 को हमारे भावी मुख्यमंत्री
तेजस्वी जी का प्रोग्राम हुआ, क्या बछवाड़ा हुआ, क्यों नहीं हुआ बछवाड़ा? इसका पीछे यही मात्र उद्देश्य कि आप तेज रफ्तार में नहीं, तेज रफ्तार में बछवाड़ा में स्वर्गीय रामदेव बाबू का पुत्र गरीब दास और गरीब दास के साथ सारे लोग सीने में खंजर भोंकने का काम किए। इसलिए बछवाड़ा का आम जनता आज के तारीख में केवल उनको जिस तरह तीर को निशान लगता था मछली में, उसी तरह आज के तारीख में लोगों को केवल चतरे नंबर क्रमांक लिखा देता है, सेव छाप लगा। तो आपकी मुख्य लड़ाई किससे संभावना जताई जाए, किनसे हो सकती है मुख्य लड़ाई? देखिए, लड़ाई कहने के लिए तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जनता से कहीं लड़ाई हो, बछवाड़ा के आम जनता का उम्मीदवार गरीब दास है, इसलिए गरीब दास के टक्कर में कोई है ही नहीं। जो भी प्रत्याशी यहां है दो नंबर के चक्कर में, एक नंबर में नहीं है, एक नंबर में बछवाड़ा का आम का प्रत्याशी, बछवाड़ा का जनता का प्रत्याशी गरीब दास। महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ भी हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि हमारी मुख्य लड़ाई जो है एनडीए के प्रत्याशी सुरेंद्र मेहता से है, लेकिन आप कह रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी शिव प्रकाश गरीबदास की लड़ाई भी कोई नहीं है, तो महागठबंधन जो प्रत्याशी भेष राय ने कहा वो क्या गलत है क्या? जी, उन्होंने भूत धरा है, कभी जो है एनडीए को भूत धराते हैं, कभी किन्हीं का भूत धराते हैं, कभी कुछ कहते हैं, वो उसकी भूत नहीं कम करने वाले, वो अपने चक्कर में है कि हम डूब जाए कि तीन में जाए। अब वो एक नंबर की लड़ाई नहीं है, केवल ये दो आदमी एनडीए के उम्मीदवार और महागठबंधन के उम्मीदवार जो अपने को कहते हैं, वो अब दो नंबर की तैयारी में, कौन हम दो नंबर में जाए, एक नंबर में कोई आदमी तैयारी नहीं, एक नंबर की तैयारी 1 तारीख को बछवाड़ा के आम जनता ने बता दिया कि गरीब दास एक नंबर की तैयारी में था और एक नंबर की तैयारी में है और पटना जा रहा। कट कर गया बदलाव के रूप में, मान लीजिए कि वह होगा जो एक स्वच्छ छविता है, सारे आदमी कुछ न कुछ कहे, क्योंकि महागठबंधन के जो आज उम्मीदवार है वो भी तो बछवाड़ा में 3 टर्म विधायक रह चुके हैं, ऐसे नहीं है कि नया चेहरा है, तो इसलिए एक युवा है और नया चेहरा है, जब बिहार चाह रहा कि हमें युवा चाहिए तो बछवाड़ा का कौन ऐसा जनता होगा तो नहीं चाहेगा कि युवा होगा, हमको बूढ़े चाहिए, कहीं कोई नहीं चाह रहा, सब युवा के साथ है और युवा का शक्ति जिसके साथ होता है वह अपने आने वाला समय में चुनाव का भी परिणाम आपने पीछे भी देख लिया कि युवा शक्ति जिसके जिसके साथ रहा वो आगे बढ़ने का काम किया, आज पूरे बछवाड़ा का युवा शक्ति गरीब दास के साथ। मुखिया जी, महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं अवधेश राय, उनका कहना है कि जब जब चुनाव आपका था उनका ही नहीं और आपके जो विरोधी खेमे के जो लोग हैं उनका कहना है कि जब जब चुनाव आता था तो विधायक रहे स्वर्गीय रामदेव राय जी सिर्फ चुनाव के टाइम ही काज करते थे और उनसे उनकी सफलता मिलती थी, और इस बार भी जब चुनाव आया तो अपने बेटे को मैदान में उतारना चाह रहे थे, इसलिए करीबन 100 से ज़्यादा सदनों का शिलान्यास हुआ और अपनी मेडिकल कॉलेज की जमीन उन्होंने दी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, ये तो विरोधी का कहना है, लेकिन ये स्पष्ट है कि विरोधी अगर इसी बात को कहते रहे तो 50 साल का संसदीय जीवन बछवाड़ा में रामदेव बाबू नहीं बिताते और बछवाड़ा का बेटा बढ़कर दिल्ली तक गए, तो उनका कहना है जहाँ तक विकास की बात है तो आज तक विकास रामदेव बाबू के ही रीजन में हो, जब जब वो मंत्री बने बिहार सरकार में बिजली मंत्री बना तो बिजली लोगों ने बछवाड़ा में देख लिया, जब वो परिवहन मंत्री बने तो बछवाड़ा में लोग परिवहन को भी देख लिए, जब सिंचाई मंत्री बने तो बछवाड़ा में लोग नलकूप भी देख लिए, तो देखेगा नहीं, जब मान ले शिक्षा मंत्री बने तो बछवाड़ा के लोग शिक्षा में भी देख लिया स्कूल कॉलेज, तो ऐसी बात नहीं। इनका कहना जैसे आप अभी देख लीजिए 140 सड़क बिहार में किसी भी मंत्री विधायक का इतना सड़क नहीं है, इतना पुल पुलिया का जल नहीं बिछा, उन्होंने अपने स्तर से अपने बोल के अपने विचार से खट के उसके बाद इतना बड़ा बछवाड़ा का विकास किया। जहाँ तक शिलान्यास की बात करते हैं तो मान लें झमटिया घाट में कौन शिलान्यास है, झमटिया घाट में जो कल परसों जो इतना बड़ा यज्ञ हुआ जिसमें मान लीजिए एक लोग
बनाने का काम किया, कॉलेज और की बात करते हैं तो आज 20 बीघा ऐसी जमीन है जिन्होंने रामदेव बाबू अपने पुश्तैनी जमीन बिहार सरकार को दान करके स्कूल कॉलेज खुलवाने का काम किया। और आज अनुमंडल का पहला कॉलेज उसमें भी 9 बीघा जमीन दान करके उन्होंने कॉलेज बनाने का काम किया। बताइए कोई भी प्रत्याशी आते उन्हें इसको है कई बार भी गए एक धूप अगर वो कह दे कि मैंने बछवाड़ा विधानसभा में 1 कट्ठा जमीन दान में दिया हो फलना जगह एक सामुदायिक भवन बनाने के लिए या वो रोड बनाने के लिए या एक कॉलेज बनाने के बोलने के लिए तो आज प्रत्याशी सब डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं लेकिन ये तो नहीं बता रहे कि डिग्री कॉलेज में जमीन कहाँ से है, जमीन कौन दे रहे हैं। निश्चित रूप से डिग्री कॉलेज नहीं बनेगी, वह जो दान दिया है वही दान दे सकता है, कोई माइक बेटा दान नहीं दे सकता। इसलिए कि रामदेव बाबू ने अपने पुण्य करके दान करके 300 बीघा जमीन दान किया, इसलिए गरीब दास भी आने वाला समय में दान करके सारे बछवाड़ा का सपना को पूरा करें। आप कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं तो क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं शिव प्रकाश गरीब दास को समर्थन देंगे? कांग्रेस का कार्यकर्ता का सवाल उठा रहे हैं, अरे 1-2% कांग्रेस के कार्यकर्ता को हटा दीजिए जो 72 से लगातार कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर मोहर नहीं लगाया, वैसे वैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता के कांग्रेस के कार्यकर्ता बछवाड़ा का आम आम जनता गरीब दास को आज अपने हाथ पर माथा पर लेकर चल रहा है। और गरीब दास ने वादा किया है कि बछवाड़ा के बुद्धिजीवियों को, बछवाड़ा के सवर्णों को, बछवाड़ा के दलितों को, बछवाड़ा के मजबूरों को चप्पल उठाने का काम करेंगे और सेवा करने का काम करेंगे। यदि शिव प्रकाश गरीब दास को सफलता मिलती है तो वो अपना समर्थन किसको देंगे? समर्थन तो सारे लोग जानते हैं कि 2005 में भी रामदेव बाबू को भी टिकट नहीं मिला था, बछवाड़ा का धन धरती है कि जिन्होंने जीत कर गए और कांग्रेस में गए और समर्थन कांग्रेस को दिए, वो कांग्रेस के बुद्ध का बेटा है, वो कहीं नहीं जाए, वो कांग्रेस में रहेंगे और उसके बाद तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार को अपना समर्थन देंगे। बछवाड़ा विधानसभा की जनता से आप मुखिया जी क्या अपील करना चाहेंगे? मैं बछवाड़ा के महान जनता भगवान से यही अपील करूंगा कि 3 तारीख को आप 17 नंबर बटन पर दबाकर सेव छाप पर मोहर लगाकर शिव प्रसाद गरीब दास को भारी मतों से विजय बनावे और तेज रफ्तार बछवाड़ा का तेज विधायक युवा सम्राट गरीब दास को बनाइए और बिहार में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार को अपना समर्थन। तो हमारे साथ मौजूद थे भीखमचक पंचायत के मुखिया व कांग्रेस के कद्दावर नेता सीताराम यादव जी, जिन्होंने अपना मुख्य उद्देश्य आप लोगों को बताया और सुनाया कि अगर बछवाड़ा विधानसभा सीट पर शिव प्रकाश गरीब दास को सफलता मिलती है तो वह तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार को अपना समर्थन देंगे। शिव प्रकाश गरीब दास ही नहीं बछवाड़ा के रहे दिवंगत स्वर्गीय रामदेव राय जी भी बछवाड़ा के आमजन के लिए लगातार कार्य किए, तो देखना है कि इनकी बातों से जनता कितनी अवगत होती है और इस बार बछवाड़ा विधानसभा सीट पर किसको अपना उम्मीदवार चयन करती है और विधानसभा भेजने का काम करती है। बछवाड़ा विधानसभा सीट पर लगातार सीपीआई और कांग्रेस में टक्कर होती रही लेकिन इस बार के जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसमें सीपीआई और कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। तो परिणाम क्या आता है, 10 तारीख को आएगा बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट और बछवाड़ा विधानसभा सीट पर जो कुल 19 प्रत्याशी हैं उन 19 प्रत्याशियों में किसका होगा राज तिलक। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बिटवीन बिहार। कैमरामैन गौतम कुमार के साथ दीपक कुमार राय की रिपोर्ट।